नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन इसी नाम के मुद्दे पर जोरदार सियासी संग्राम शुरू हो गया है। व्यूअर्स, 22 जुलाई से पवित्र सावन मास यानी श्रावण मास जिसे कहते हैं, यानी सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, आरंभ होने जा रहा है और इसी दिन से लाखों भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे। और यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अपने एक आदेश में कहा कि कांवड़ यात्रा के रूट पर मौजूद सभी होटल, ढाबे और ठेले वालों को उसके मालिक और वहां काम करने वालों के नाम एक बोर्ड पर लगाने होंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कहीं आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था की स्थिति ना बन पाए। लेकिन यह आदेश आते ही ओवैसी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक, ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता तक सब इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए। कोई इसे मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह अफ्रीका में यानी अफ्रीका के एक दौर में होने वाले रंग भेद जैसा है। एनडीए की करीबी सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले पर प्रश्न उठा दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पहचान बताने में हर्ज क्या है और अगर पहचान ना बताई जाए तो इसमें परेशानी क्यों है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, नाम पर सियासी संग्राम। बाईस जुलाई से शुरू हो रहे सावन से पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद ढाबों और होटलों पर उसके मालिक और चलाने वालों के नाम लिखे जाएं। लेकिन इस आदेश से सियासी महायुद्ध छिड़ गया। ओवैसी ने कहा इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकॉट था। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जुडेन बायकॉट करते थे, इस तरह का बायकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। अखिलेश यादव ने कहा और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है। किसी एक समुदाय को अपने धर्म की आस्था के हिसाब से जहां खाना है नहीं खाना है ये निर्णय करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन ठीक है। कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं उनकी कई मान्यताएं होती है, उनको ये एक अवसर मिले कि वो तय कर पाए कि उनको कहां से क्या प्रोक्योर करके कुछ खाना है पीना है, तो भाई वो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा खतरा, लोकतंत्र खतरे में। ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। हालांकि एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। धार्मिक आधार पर इस तरह का चयन उचित नहीं है, अन्य जिलों में इसको लागू ना किया जाए ऐसा मेरा आग्रह। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आखिर पहचान बताने में हर्ज ही क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, नाम पर मचे घमासान का विश्लेषण। मैं आज आपको दो विषय बताऊंगा जो फैसले के साथ हैं और जो फैसले के खिलाफ हैं। पहचान छुपाने की जरूरत क्यों है, फैसले के साथ जो पक्ष है वो ये कह रहा है, फैसले के जो खिलाफ है ये मुसलमानों पर आर्थिक प्रतिबंध जैसा है। फैसले के जो साथ है, मुस्लिम सिर्फ हलाल वाले होटल में खाना खाते हैं। फैसले के खिलाफ है, धार्मिक आधार पर बंटवारे की ये चाल है यूपी बीजेपी की। कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध भोजन का एक नियम है जो फैसले के साथ है, जो फैसले के खिलाफ है। एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बर्ताव में आगे हिंदू नाम से अन्य धर्म के लोग होटल चलाते हैं और पकड़े गए हैं, ऐसे कई फैक्चुअल डेटा मौजूद है जिसके अंदर ऐसा हुआ है और फैसले के साथ का पक्ष ये बात कह रहा है। लेकिन जो फैसले के खिलाफ है, आपसी सौहार्द बिगड़ने का इससे खतरा है। लेकिन आज हमारा बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल क्या है, फैसले में किसी एक धर्म का जिक्र नहीं है, ऐसे में क्या इस पर सवाल उचित है। बड़ी बात यह है
लेकिन फैसला लिया क्यों गया, फैसले के टाइमिंग और साथ ही साथ फैसले की जरूरत, उसकी भी हम बात करेंगे। शलभमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान भी पेशे से वकील हैं और प्रवक्ता हैं AIIMIM के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अजीज खान साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है TMC के, उनका अभिनंदन है। तो ये पूरा मंच है। मैं वारिस पठान, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और आपसे 50 सेकंड में जाना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जब धर्म पूछा ही नहीं गया, सिर्फ ये पूछा गया कि आपको नाम लिखना है और नाम लिखने में तो सबको गर्व होता है, तो नाम लिखने में हर्ज क्या है?